उस गांव का नाम देवघर था। उस गांव में रोहित नाम का एक काफी पढ़ा लिखा युवक था। एक बार रोहित गाड़ी में जा रहा था कि उसका एक दोस्त ने उसे बुलाकर, हाय रोहित कैसे हो? हाय यशवंत, मैं ठीक हूँ, क्या कर रहे हो? मैं आधा दिन में यूएस जा रहा हूँ यार, कॉलेज में तो तुम ही टॉपर थे पर अब तक बिना नौकरी के घूम रहे हो। वेरी बैड, अब मुझे देखो, सिर्फ 60% पास हुआ था, यूएस में नौकरी, 5 लाख की सैलरी और क्या चाहिए? ओह कांग्रेट्स, अब तुम अच्छा सेट हो गए। पर मैं खाली नहीं हूँ यशवंत, अपने गाँव के लिए कुछ करना है या सोचकर छोटी मोटी कोशिश कर रहा हूँ। व्हाट नॉनसेंस, अपने गाँव में है क्या? ओह कम ऑन मैन, मेरे साथ यूएस आओ, वहाँ रिच लाइफ, बेटर जॉब्स। नो यशवंत, यू कैरी ऑन, मैं नहीं आऊंगा, मैंने खा लिया है कि मैं अपने गाँव के लिए कुछ करूंगा। यू एजुकेटेड फूल, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। एनीवेज, आई गॉट अ गो, कहकर वहाँ से चला गया। एक दिन गाँव के चौपाल पर तहसीलदार इलेक्ट्रिकल इंजीनियर किसानों से, देखिए बहुत मुश्किल से सरकार की मिन्नतें की तो वो हर रोज 3 घंटे के लिए अपने गांव में बिजली देने के लिए मांग रहे हैं, तो इन 3 घंटों को सही उपयोग करें। हाँ सरकार ने 3 घंटे आपको दिया है पर रात के 12 बजे से सवेरे 3 बजे तक ही। क्या आधी रात को? अरे साहब दिन के समय देंगे तो फसल के काम आएगा, आधी रात को किसको लाभ होगा? ये सब मैं नहीं जानता, आधी रात को ही दूंगा, कहकर वहां से चला गया। एक दिन रोहित गाड़ी पर खेत की ओर जा रहा था कि एक किसान सोच में डूबा हुआ बैठा हुआ था। रोहित वहां जाकर, ताऊ इतनी धूप में यहां क्यों बैठे हो, क्या कर रहे हो, क्या हुआ? क्या बताऊं बेटा, मैंने खेत में बीज बोया है, 24 घंटे में पानी देना होगा, ये पंप सेट बिना बिजली के काम नहीं करेगा। सरकार कहती है कि 24 घंटे में सिर्फ 3 घंटे बिजली देगी, वो भी आधी रात को 12 बजे। आज बारिश होने का भी कोई आसार नजर नहीं आता, पर इस उम्मीद में बैठा हूँ कि शायद बारिश हो जाए। रोहित काफी सोचकर, अब बिजली होगी तो मोटर चलेगा तो ही पानी निकलेगा, ठीक है, यदि हम इस मोटर को मैन्युअली चलाएं तो, ऐसा उसने सोचा। रोहित को एक उपाय सूझा, उस मोटर पंप के व्हील को अपने बाइक के पिछले टायर के साथ एक रबर बैंड से जोड़ा। रोहित ने तुरंत अपना बाइक स्टार्ट किया और एक्सेलरेटर दबाया, बस पिछले पहिए के तेजी से घूमते ही पंप सेट का पहिया भी घूमने लगा, तुरंत पानी आया। वाह पानी आ गया, पानी आ गया, बल्ले बल्ले, रोहित तुमने मुसीबत के समय पर खूब सूझबूझ दिखाया, कहकर उसकी प्रशंसा की। ये बात जानकर गांव में सब ने अपनी गाड़ियों को वाटर पंप के साथ जोड़ दिया, पुराने बाइक को भी काम में लाने लगे। यूं उस गांव के किसानों की समस्या को रोहित ने सुलझाया। अगले दिन कलेक्टर ने रोहित का सम्मान किया। ये खबर अमेरिका में यशवंत ने अखबार में पढ़ा और रोहित अपने गांव के लिए कर रहे काम को देखकर शर्मिंदा हुआ। यशवंत तुरंत अमेरिका से आकर रोहित से, रोहित तुम ही मेरी प्रेरणा हो, अब से मैं तुम्हारे साथ ही काम करूंगा। कुछ दिन बाद उस गांव वालों ने बाइक इस्तेमाल करना छोड़कर रिचार्जेबल बैटरी टेक वाटर पंप का प्रयोग करने लगे। रात के समय जब बिजली आती तो वे उसे रिचार्ज करते, दिन के समय किसान उन रिचार्जेबल बैटरी से पंप से चलाते थे। यूं रोहित और यशवंत अपने ज्ञान को